हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगी जो कि एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करता है, जिसके कारण उन्हें ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लॉसेज होते हैं। ये वो मिस्टेक हैं गाइस जो कि मैंने भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग पीरियड में करी थी, जिसके कारण मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स लगे थे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। एंड मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास मेल्स आते रहते हैं कि मैम हमें कंटिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं, बट वी डोंट नो कि हम क्यों ऐसे लॉसेज कर रहे हैं। तो गाइस, जब मैं उनके डिटेल से जर्नल पढ़ती हूँ, जब मैं उनसे बातें करती हूँ, तब मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, तो मैंने देखा है कि ये बहुत ही कॉमन सिली सी प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो कि एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली करते हैं, जिसके कारण उन्हें कंटिन्यूसली लॉसेज हो जाते हैं। तो आज मैं उन मिस्टेक्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी और ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आप इनको ना करें और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसी ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज आप तुरंत देख सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो कॉमन 5 मिस्टेक्स हैं वो मैं शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल है, जो कि एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली इनको फॉलो करता है। और गाइस, अगर आप इन मिस्टेक्स को धीरे धीरे करना कम कर देंगे तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। बिकॉज ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं होती है गाइस, बट इसमें ट्रेडिंग इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये जो डिफ़िकल्ट है ये बन जाती है। बट अगर आप इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने लगें तो आप ट्रेडिंग से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने ट्रेडर्स में देखा है, जो कि अपनी ट्रेडिंग में करते हैं, दैट इज़ गाइस कि जब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो विदाउट प्रॉपर नॉलेज करते हैं। येस, दैट मीन्स या तो उनने इंस्टाग्राम पर किसी की रील देख ली, या फिर उनने किसी फ्रेंड्स के बारे में सुन लिया जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम भी ट्रेडिंग करें और एक प्रॉफिट अर्न कर सकें। वो ट्रेडिंग को एक क्विक रिच स्कीम की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में उनने देखा कि यस, इस तरीके से ट्रेडिंग होती, ये वाला व्यक्ति एक दिन के 10,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति अगर 10,000 अर्न कर रहा है तो उसके पीछे उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, किस तरीके से उसने सीखा होगा। नो गाइस, वो क्या करते हैं, वो तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, अपना कैपिटल डालते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है गाइस, अंडर ओनली 2 or 3 month, राइट, 2 or 3 month के अंदर अपना वो पूरा जो कैपिटल है उसको वाइप्ड आउट कर लेते हैं। और इसी के लिए गाइस ज़रूरी है कि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप प्रॉपर नॉलेज के बाद ट्रेडिंग कीजिए। दैट मीन्स सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें क्या इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझिए कि येस, किस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करती है। आप एक डेमो अकाउंट ओपन कराइए, आप जो अपनी स्ट्रैटेजी है उनको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए कि येस किस तरीके से रियल मार्केट में ट्रेडिंग वर्क करती है। गाइस, जब आपको डेमो ट्रेडिंग में सारी चीजें समझ में आ जाए तब जाके आप एक रियल अकाउंट ओपन कराइए, उसमें थोड़ा सा अमाउंट डालिए, ट्रेडिंग करके देखिए। बिकॉज गाइस, बहुत डिफरेंस होता है जो चीज़ हम सोचते हैं और जो चीज़ मार्केट में होती है, ठीक है। इसीलिए एक छोटे से अमाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उस कैपिटल को इंक्रीज कीजिए। बट मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जंप कर जाते हैं और सोचते हैं कि वो एक रात के अंदर अपने 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। येस गाइस, इसीलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि ट्रेडर करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है, दैट इज़ Never do trading without proper knowledge. Okay. Now let's talk about the second mistake जो कि मैंने ट्रेडर में देखी है, बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ गाइज, दे डू ट्रेडिंग विदाउट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। येस, वो बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। क्या होता है गाइज, ट्रेडिंग में हमें खुद हम डिसीजन लेते हैं कि येस हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, हम खुद ट्रेड से एग्जिट लेते हैं और खुद ही टारगेट बुक करते हैं, राइट। तो जिसके चलते क्या होता है, एज अ साइकोलॉजिकल वे में जब हमें लॉस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे लॉसेस को बड़ा करते जाते हैं इस होप में कि वो जो ट्रेड है वो डेफिनेटली अपसाइड जाएगा। जिसके चलते क्या होता है गाइस, 90% टाइम ट्रेडर अपना जो कैपिटल है उसका बहुत बड़ा अमाउंट लूज कर देते हैं। येस गाइस, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, विच हेल्प यू कि आप अपने लॉसेस को कम से कम रख सकें। हमेशा याद रखिएगा गाइस, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, आप ट्रेडिंग में लॉसेस को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। बट एज अ ट्रेडर हम उन लॉसेस को कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। वो किस तरीके से होता है, वो होता है कि जब आप ट्रेडिंग में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस पुट करें। स्टॉप लॉस पुट करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से, कोई लोग इंडिकेटर के बेसिस में स्टॉप लॉस पुट करते हैं,
कई लोग कैंडल के बेसिस में स्टॉप लॉस पुट करते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 2 proven ways बताए थे, उस वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पर दे दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं जो कि आपके हिट भी ना हो और आप सही पॉइंट पे लगाएं ताकि आपके लॉसेस कम से कम हो और आपके जो प्रॉफिट है वो बड़े से बड़े हो सके, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि मोस्टली ट्रेडर करते हैं, दैट इज़ कि जब वो ट्रेडिंग करते हैं ना तो वो कोई स्टॉप लॉस पुट नहीं करते। तो काफ़ी बार क्या होता है जो ट्रेडर होते हैं वो बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इधर या तो वो स्टॉप लॉस पुट करते हैं ना तो वो गलत स्टॉप लॉस पुट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम हो कि येस आप जब भी मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के बेसिस में ट्रेड लेंगे और वो जो स्टॉप लॉस हो वो भी सही जगह पर पुट हो और आप उस स्टॉप लॉस को बार बार रिमूव नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ पुट करें, ठीक है। सो दैट इज़ आर द सेकंड मिस्टेक जो कि मोस्टली ट्रेडर करते हैं और अगर आप इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर देंगे ना तो ट्रस्ट मी गाइस आपकी जो लॉसेज हैं वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे और आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगेंगे, ठीक है। वेल गाइस इसके साथ साथ मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर में एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी है, दैट इज़ गाइस जब भी उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के बेसिस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें खुद भी मार्केट में प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है गाइस उन्हें स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है। वेल गाइस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है और अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लें जो कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। वेल गाइस एक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है वो आपके रिस्क पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। गाइस अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बेसिस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक एक्सपर्ट की मदद लें जो कि आपको मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएगा, साथ ही साथ गाइस वो आपको राइट गाइडेंस देगा कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके थ्रू गाइस आप इजीली उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। वेल गाइस फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए आप मोतीलाल ओसवाल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप जब मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट करते हैं तो ये आपके रिस्क के ध्यान में रखते हुए आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू गाइस आप इजीली स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल गाइस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो और गाइस जब आप मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज गाइस मोतीलाल ओसवाल को मार्केट में 30 years से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है विथ 50 lakh प्लस कस्टमर। येस गाइस मोतीलाल ओसवाल में आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है गाइस। इसमें आपको चाहिए सिर्फ आपका आधार कार्ड, आपका बैंक प्रूफ और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड चाहिए जिसके थ्रू आप इसमें इजीली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वेल गाइस इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, दैट मींस जब यहां पर आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो आप यहां पर फ्री में ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहां पर आपको फर्स्ट ईयर फ्री मेंटेनेंस मिलती है, आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको फ्लैट ब्रोकरेज 20 rupees पे करना होता है हर एक लॉट पे। येस गाइस इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन में मिलता है मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। साथ ही साथ गाइस जब आप मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाता है जिसके थ्रू गाइस आप इनके AI बेस्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलता है। गाइस ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है, आप अपने मोबाइल कॉल के थ्रू भी इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से आज ही मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहां पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपने सिटी की डिटेल्स डालना है, जिसके बाद गाइस आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, आज ही मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको सिंपल कीजिए। ओके तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक जो कि एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में करता है जिसके कारण उन्हें कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहा है, दैट इज गाइस कि वो ट्रेडिंग एक बिना किसी प्लान के करते हैं। यस गाइस मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते हैं, अब उनका प्रॉपर नॉलेज भी होता है, उन वो स्टॉप लॉस भी सही तरीके से पुट करते हैं, बट क्या करते हैं गाइस वो उनके पास कोई प्लान नहीं होता है जिसके कारण उन्हें कंटिन्यूअसली मार्केट में लॉसेस होते जाते हैं। यस गाइस जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्लान हो जो कि आपको बताए कि किस पॉइंट पर आपको ट्रेड करना है, किस पॉइंट पर आपको ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पर आपको
कितना आपको रिस्क लेना है, कहाँ पर आपको कितना स्टॉप लॉस पुट करना है, एवरीथिंग ये एक प्लान अपने अंदर कंडक्ट करता है, राइट। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग प्लान बनता है तो मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, साथ ही साथ मैंने आपके साथ एक फ्री टेम्पलेट भी शेयर किया था, उसके लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पे दे दूंगी, आप वो वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। एक प्लान क्या होता है ना गाइस, वो आपकी मदद करता है, आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोकता है, आपका जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उनको कंट्रोल करने में भी प्लान मदद करता है। बिकॉज अगर आप अपने प्लान पर ही स्टिक रहते हैं ना गाइस, तो आप मार्केट में सही डिसीजन ले पाएंगे, आप मार्केट में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बट ट्रेडर क्या सोचते हैं कि हमें पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें पता है कि हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस पुट करना है, जिसके चलते क्या करते हैं गाइज, वो मार्केट में एक प्लान बनाते ही नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें कंटिन्यूसली लॉस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए, उस प्लान को अपने ट्रेडिंग डेस्क के पास रखिए, उसको रीड कीजिए, ताकि आप मार्केट में गलत डिसीजन ना लें। ओके, सो दैट इज़ आर थर्ड मिस्टेक। नाउ द फोर्थ मिस्टेक जो कि ट्रेडर करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, दैट इज़ गाइस कि जब भी वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तब वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते रहते हैं। यस गाइस, दैट मीन्स उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर में देखते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो हिट होती है। दैट मीन्स गाइस कि आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब मार्केट लिटिल अपसाइड जाते हैं तो आपको 150 का प्रॉफिट होता है, फिर मार्केट डाउन हो जाता है तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, अप डाउन इस तरीके से। इसके चलते क्या होता है गाइस, आप क्या करते हैं, ट्रेड से अर्ली एग्जिट कर देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं, और आपका जो ट्रेड होता है उसका टारगेट 300 रुपीज़ का होता है, और गाइस ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके मार्केट उस 300 लेवल तक पहुंच जाता है। वो किसके कारण होता है, बिकॉज गाइस आप जो कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं ना, उसके कारण आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाती है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना देखें। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है अपने ट्रेड आपने जो लिया है उस पर, आपको एक स्टॉप लॉस पुट कर देना है, आपको टारगेट पुट करना है, दैट्स इट गाइस। ओके, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ पर फोकस ना करें, ठीक है। आप जब भी ट्रेड लें, आप अपना ट्रेड लेके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरी चीज़ पे देखिए, आप दूसरा एनालिसिस कीजिए, उसे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेज ही होंगे, या तो आप ट्रेड में लॉस कर लेंगे, या तो आप ट्रेड से अर्ली एग्जिट हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्केट में मत देखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ मिस्टेक जो कि ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में जर्नी में करते हैं, दैट इज गाइस दे डोंट फॉलो आर ट्रेडिंग जर्नल। यस, मेरे हिसाब से ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा होगा दैट कि एक जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, बिकॉज गाइस जो ट्रेडिंग जर्नल होता है वो आपकी मदद करता है ये पता करने में कि यस किस पॉइंट पर आप कौन सी मिस्टेक है जो कि आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जिसे आपको नहीं करना चाहिए। As I told you earlier कि ट्रेडिंग में हम सोल होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट लेना है, कहाँ पर हमारा टारगेट होगा, जिसके कारण क्या होता है गाइस, एज अ ह्यूमन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपनी मिस्टेक्स को समझ पाएं, हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, और इस पॉइंट पर गाइस जर्नल आपकी मदद करता है, बिकॉज जर्नल आपको बताता है कि किस पॉइंट पर आप कौन सी ऐसी गलती जो कि कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने जर्नल मेंटेन करके देखिए, जिसके बाद देखिएगा गाइस आपकी ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आएगा। मैं खुद पहले फॉलो नहीं करती थी, और जब से मैंने उसको फॉलो करा हुआ है, शुरू करा है, जब से हार्डली ऐसे दिन गए होंगे जब मैंने मेरा जर्नल मेंटेन नहीं किया। मैं हमेशा एक जर्नल मेंटेन करती हूँ, ठीक है, और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग जर्नल को डेफिनेटली मेंटेन करें। सो गाइज, यही थी वो कुछ मिस्टेक्स जिसके कारण ट्रेडर कंटिन्यूसली लॉसेस कर देते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन 5 मिस्टेक्स पे वर्क करते हैं तो आप जो ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं ना, तो उससे गाइज आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके गाइज, तो मैं आपको एक बार फिर से वो 5 मिस्टेक बता देती हूँ। तो वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि ट्रेडर करते हैं, दैट इज़ गाइज कि वो ट्रेडिंग बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड मिस्टेक जो कि वो करते हैं, दैट इज़ कि जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं होता है। थर्ड मिस्टेक जो कि वो करते हैं, दैट इज़ कि जब भी वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो कि वो करते हैं, दैट इज़ कि जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ज़्यादा ही देखते हैं, जिसके कारण उनकी जो साइकोलॉजी है वो हिट हो जाती है और वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं।
फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक जो कि ट्रेडर करते हैं, दैट इज गाइस कि वो ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग जर्नल फॉलो नहीं करते हैं। आप आज ही इन पांचों मिस्टेक को लिख लिए, इन पांचों मिस्टेक पर मैंने जो आपको सोल्यूशन दिए उन पर वर्क कीजिए, एंड ट्रस्ट मी गाइस इन जस्ट 2 or 3 months आप जो ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लॉसेस करें ना, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ओपन योर डीमेट अकाउंट नाउ इन मोतीलाल ओसवाल एंड मेक योर ट्रेडिंग जर्नी ईजी एंड सिंपल फॉर मोतीलाल ओसवाल। ओके सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लाऊं। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके।